विशेष तौर से हमारे मंदिर पर ही की जाती है। इस आरती का विशेष महत्व यह है कि इस आरती में एक घंटे तक लगातार यह आरती एक अपना इंदौर क्षेत्र पर भारतीय एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर एक पैर पर एक घंटे तक की जाती है और तांडव मुद्रा में की जाती है। ऐसा भक्तों का यहाँ कहना है कि जो भी तांडव आरती में यहाँ पर आया है उनकी सभी की मनोकामना पूर्ण हुई है और यहाँ भगवान भोलेनाथ जो होते हैं उनका कोई आकार नहीं होता है, ये निराकार होते हैं, इसलिए भगवान भोलेनाथ की ओम आकार में तांडव रूप में आरती की जाती है। और ऐसा कहा गया है कि भगवान भोलेनाथ का जो तांडव स्त्रोत होता है, हम चाहते हैं कि ये कलयुग है, इस कलयुग में भगवान को मनाने के लिए हम तांडव रूप में आरती करते हैं। पहले के समय में भगवान का भक्त भोलेनाथ का सबसे बड़ा भक्त जो था वो रावण था, जिसने अपनी भक्ति में लीन होकर शिव तांडव स्त्रोत की रचना की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान उसने विशेष कृपा की थी। आज ये कलयुग स्तर पर हमने भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भक्तों को उसके दर्शन कराने के लिए इस तांडव आरती को यहाँ पर किया है।